बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज फिल्म है। इट्स ए मैसेज ऑल्सो फॉर द पीपल, ग्रेट मैसेज, वेरी सोशल ग्रेट मैसेज एंड ऑल्सो ब्लेंडेड इनटू ए ग्रेट कॉमेडी। तो इट्स ए कॉमेडी सॉर्ट ऑफ ए फिल्म बट वेरी सीरियस मैसेज बिहाइंड द होल थिंग। इट्स ए ग्रेट सब्जेक्ट, ग्रेट रोल्स फॉर एवरीबडी, सो लेट्स होप द बिगिनिंग ऑफ द पिक्चर एंड बाई योर courtesy द पिक्चर शुड डू वेल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग के पहली बार आप अपने दामाद शर्मन जोशी के साथ? जी हाँ, मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। कैसी कैसा क्या रहा, मतलब आप लड़ते झगड़ते रहे या फिर आप उनको सिखाते रहनी है ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो बड़ा बहुत बेहतरीन एक्टर है खुद ही। आप वो मैं इन चीज़ों उसके प्रोफेशनल चीज़ों में मैं इंटरफेयर नहीं करता। कहानी भी जो सिलेक्ट करता है खुद ही करता है, जब जो करनी होती है उसने पिक्चर वो करता है, जो नहीं करनी होती वो नहीं करता। उनकी रिसेंटली एक फिल्म आई थी हेड स्टोरी 3, तो उसको क्या आपने आपने देखा? हेड स्टोरी 3 है, वे ब्यूटीफुल, वेरी नाइस फिल्म। तो क्या आप चाहते हैं कि सलमान उसी जॉनर में और भी? और जॉनर नहीं, ये तो डिफरेंट जॉनर है, बिल्कुल जॉनर तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, लेकिन हर आर्टिस्ट की जो ख्वाहिश होती है कि मुख्तलिफ किस्म के रोल करे, तो उसमें जो रोल कर रहा है वो बहुत ही अलग करके है जो आपने हेड स्टोरी 3 में देखा। और बाकी भी फिल्में आ रही जहाँ बहुत सीरियस किस्म के थ्रिलर हैं। अब हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश, हमारी अभी तक ख्वाहिश ये है कि हम अलग अलग रोल करें। फादर इन लॉ बिहेव करते हैं, जस्ट एज फ्रेंड्स आप हर चीज़ शेयर कर लेते हैं आपस में? अच्छा जी जी जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, जब आपको एक ऐसा फनी इंसिडेंट आपको याद आता है जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ? जो उसका प्ले चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और प्ले में उसने मुझे कहा कि आवाज़ बैकग्राउंड आप वॉइस ओवर आवाज़ दीजिए, तो मैंने दिया। तो ये अच्छा है, अपना जो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसमें आप कॉमेडी करते नजर आएंगे कि विलन बनेंगे? इसमें कॉमेडी है, विलन नहीं, पॉजिटिव कैरेक्टर। पॉजिटिव कैरेक्टर आप बहुत कम सिलेक्टेड फिल्में कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब आपके व्यूअर्स आपके चाहने वाले? अभी अच्छी नहीं, अभी एक पिक्चर आ रही है एक उड़न छू, वो बग गया, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, 2 महीने में रिलीज हो जाएगी। उसमें बिल्कुल अलग किस्म की, अलग किस्म की फिल्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ हल्का फुल्का रोम कॉम, वेरी लाइट हार्टेड एंटरटेनर। इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑन द स्क्रीन प्ले बेसिकली, सो ही इज क्वाइट गुड एट इट एंड इट्स मोर ऑफ दैट, इट्स फन मूविंग फिल्म। And I have a very soft, sweet character in this, where I'm more of a bubbly person, more full of life. So, with that rest. Tell us about your preparation, about your character, what preparation you have done for your character. Well, we are yet to do all the workshops. Okay. I haven't prepared yet. पहले तो सोचते नहीं कि कास्टिंग क्या करूँगा, पहले तो जब कहानी हो गई उसके बाद स्क्रीन पे हो गया, स्क्रीन पे के बाद पता चलता है कि इसमें कौन लीड करेगी, कौन हीरो रहेंगे, कैसे ऐसे हुआ। फिर इसकी शर्मन दिमाग में आ गई, फिर इसके बाद नायरा जी आ गई कि ये कर सकती है, जैसे उन्होंने पता। अभी भी चल रहे हैं, अगले महीने सेट पर जा रहा हूँ, फिर भी वर्क मतलब क्या बोलते हैं सब रिपेयरिंग काम चालू है, क्योंकि इतनी तरह की कॉमेडीज आ चुकी है, ये कितनी अलग होगी और क्या क्या जोड़ रहेगा इसका? इसीलिए सोचना पड़ता है कि इतने सारे रोज एक फिल्म हर वीक में एक रिलीज होती है, वो सब कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा अभी मैं क्या कुछ चेंज लाऊँ, क्या कुछ करूँ ताकि प्रोड्यूसर की फिल्म अच्छी बने, मेरे एक्टर मुझे साथ दे रही है, अच्छी हीरोइन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्टर मेरे पास है। क्योंकि जैसे जैसे कि देखा कि आजकल की जो फिल्म हो रही है उसमें नॉन वेज कॉमेडी ज़्यादा होती है, डबल मीनिंग होती है, इसमें कॉमेडी नहीं। जैसे आप पूछ रहे हैं इसमें ऐसे फैमिली एंटरटेनर आई बिलीव एंड वी मोस्टली टारगेट ऑल फैमिली एंड यूथ ऑडियंस, सो इट्स गोना बी मोर ऑफ फन, यूथफुल कलर्स, गुड जोक्स, इट्स नॉट नॉन वेज कॉमेडी।
चलिए विश्व होता है, बस हम चाहेंगे फिल्म अच्छा करें और आप थैंक यू आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्साइटेड फिल्म बननी चाहिए। नहीं, ये स्क्रिप्ट को सुनते ही पहली दफ़े में तो ऐसा हो गया कि लगाव हो गया, एक स्क्रिप्ट अच्छी है और इसकी स्टोरी भी अच्छी है और एक मैसेज जाएगा कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है तो अच्छा लगा। जैसे सुन के स्क्रिप्ट सुन के अच्छा लगा कि भाई ये मूवी बनानी है, मूवी बना है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कोई था नहीं, लेकिन जब से मूवी एक बार सुनी तो अच्छा लगा कि भाई ये बनाना है, कुछ करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ गए। राइटर्स को आपने ये भी बताया कि आपकी लाइफ में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है आपने वो शेयर किए हैं, स्टोरी के दौरान कुछ ऐसी बात हुई या आपने सिर्फ पैसे लगाए हैं, कुछ और कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस हमारे जो थे, पहले गुजराती मूवी बनाए थे तो उस हिसाब से वो थोड़े एक्सपीरियंस थे, थोड़ा हमारा भी मतलब मैं टेक्निकली जो था वो सब राइटर को बताया था, उस हिसाब से उसने स्टडी करके पूरा बनाया। अच्छा, इसके इस फिल्म के बाद कोई और प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में हो या कोई और कहानी चल रही हो जो आप आगे प्रोड्यूस करना चाहें, कुछ है? हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं, पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और मस्त एकदम बनाएंगे अच्छा मूवी। क्या क्या सोचते हैं कि मतलब आपको फिल्म सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस करनी है या कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स आगे लेके आने? नहीं, एक मैसेज देना है, मतलब मैं समाज को कुछ देना है, उस हिसाब से हर फिल्म में ऐसा सोचते हैं कि हर फिल्म में कुछ ना कुछ मैसेज जाए, एंटरटेनमेंट भी हो, मैसेज भी हो, कुछ अलग सिनेमा मिले सबको। सर, किसी भी फिल्म को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखते हैं, किस तरह की फिल्म होनी चाहिए, कौन से जॉनर की होनी चाहिए, क्या ध्यान में रखते हैं? जैसे कहानी अच्छे जैसे लगे और काफ़ी फैमिली के साथ बैठ के देख सके ऐसे होनी चाहिए। या फिर स्टारकास्ट कितनी मायने रखती है अगर जब आप प्रोड्यूस करते हैं? स्टारकास्ट कहानी की तरह जो कहानी है इसके हिसाब से मायने रखती है, जैसे जैसे कहानी जैसा जैसा कैरेक्टर ऐसे हम स्टारकास्ट करना पड़ता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बड़ी स्टारकास्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बड़ी स्टारकास्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे स्टोरी है राइटर के पर डिपेंड करती है, जैसे स्टोरी पर डायरेक्टर कैसे बनाना चाहते हैं, कैसी स्टारकास्ट चाहिए, वो हिसाब से सेटिंग हो सकता है तो मूवी अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। नए नए सब है। हेलो भैया, ये है आशीर्वाद। नमस्कार, मुझे आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ तक आप सबके सामने खड़ी हूँ और जहाँ तक मेरे रोल की बात है तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बड़ा अच्छे से नवाज के एक नई एक दुनिया में उतारा है, वेस्टर्नाइजेशन, जिसमें मैं बिल्कुल नहीं थी, बट अब मैं बनूंगी। मैं जो शर्मन है हमारे राम जो करेक्टर मेन लीड कर रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड का रोल करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक जो अमीर घराने की लड़कियाँ होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं लोगों के साथ। बाकी थोड़ा बहुत सस्पेंस मुझे भी रहने दीजिए, बाद में पता चल ही जाएगा। आशिमा, आपको पहले फिल्म में हमने देखा काफ़ी गुमसुम सी रहती थी, अभी काफ़ी अब खुल गई है, तो क्या प्रिपरेशन की है आपने इस फिल्म के किरदार के लिए? अरे, बहुत सारी प्रिपरेशन की है और मेन आप मीडिया वालों का साथ रहा है, क्योंकि आप मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इतनी आराम से जवाब दे देती हूँ कि अब मैं जब भी सेट पर भी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू, थैंक यू ऑल। नीलिमा जी, आपका कैरेक्टर क्या है? सेम एज हर, आई एम प्लेइंग अ मॉडल कैरेक्टर इन दैट, एंड देन आई एम वेरी स्केयर्ड राइट नाउ बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम, आई एम सो वेरी नर्वस, यू कैन सी इन माय फेस, आई थिंक दैट्स गोना बी, एंड देन सेम गर्लफ्रेंड रोल राम भाई की, सो बाकी सब आपकी क्या बता रही है, आप नर्वस हैं और सेट के दौरान? तो एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम वेरी नर्वस, आई डोंट नो, सो आई डोंट नो। आपके को-स्टार्स ने आपकी हेल्प करी फिल्म के दौरान सेट्स पे? फिलहाल तो शूट्स मॉडल का रोल है, सो इन रियल लाइफ आल्सो आई एम डूइंग प्रिंट शूट्स एंड आल्सो आई एम यूज्ड टू इट, सो इट विल बी फन डूइंग इट, लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी बात करें तो आप डांस करना ज़्यादा पसंद करती है और आपकी काफ़ी हमने किरदार देखे जैसे मुंबई के डांस वाला, तो जब भी आप कोई किरदार को चूज़ करती है तो क्या प्रायोरिटी होती है किरदार की, मतलब यही होती है कि अगर मेरा जो भी किरदार है मैं उसके अंदर अच्छे से घुस जाऊँ, उसमें नहा लूँ अच्छे से, जब बाहर आऊँ तो लगे कि नहीं ये वही किरदार के नाम से मुझे लोग पहचाने। एंड मैं दिल से दुआ भी करती हूँ, सबकी ब्लेसिंग्स भी चाहती हूँ कि जैसा मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा है उस तरीके से मैं वर्कआउट कर पाऊँ, और जब मैं पर्दे पे आप सबके सामने आऊँ तो आप लोग मुझे बाहर आने के बाद यही बोले ये वही गर्लफ्रेंड का रोल कर रही थी, वही है ना। अब तक हमने आपको दो जॉनर में देखा है, कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है आगे आने वाली फिल्म? हाँ,
मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना फाइटिंग में थोड़ा बिलीव करती हूँ, मार्शल आर्ट सीख रही थी, तो लाइक सी आगे क्या होता है। अभी मेरे पास जैसे कि तरन्नुम का रोल था डांस बार का, अभी मेरे पास रोल आया गर्लफ्रेंड का, जो कि एक बड़े घराने की लड़की किस तरीके से लड़कों को टैकल करती है। अब आगे सब जन यही है, मुझे कोई ना कोई अच्छा ही रोल देंगे, क्योंकि एक्ट्रेस की वो होती है अपने हिसाब से अपने करेक्टर को प्ले करें, और कई बार डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर राइटर होते हैं इंटरप्ट करते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना, तो उसमें कितनी जद्दोजहद होती है आपकी आपस में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज अभी तक तो जैसे जहाँ तक बात है हमारे डायरेक्टर की जो यहाँ है और सचिंदा जी जो थे, मेरे साथ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे जो सिखाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, और जहाँ मुझे कुछ पॉइंट लगता है तो मैं बैठ के डिस्कस करके बोल देती हूँ, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज थैंक यू सो मच। जी जनरली क्या होता है कि रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं और आइटल सॉन्ग होते हैं, अलग अलग जॉनर्स दोनों अलग अलग जॉनर्स हैं, लेकिन दिस इज जनरली इट इज लाइक या तो आप रोमांटिक नंबर गाते हैं या तो आप आइटम नंबर गाते हैं। जनरली ये होता है कि जॉनर्स अलग अलग जॉनर्स जब होते हैं म्यूज़िक के, तो उसमें या तो रोमांटिक नंबर्स होते हैं या तो आइटम नंबर्स अलग से होते हैं, लेकिन दोनों जॉनर्स को मिक्स करके प्रेजेंट करना किसी एक गाने में, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और बापीदा बापी लहरी जी को उनके म्यूज़िक जो आप देख रहे हैं, राम भाई जो मूवी है उसमें बापी लहरी जी का म्यूज़िक है, एंड मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे ये मौका मिला, बापीदा ने मुझे चांस दिया ये गाने के लिए, एंड इट्स अ कंप्लीट धमाल गरबा नंबर, और उसमें रोमांस भी है और खट्टी मीठी बातें भी है, थोड़ा गुजराती है, थोड़ा ज़्यादा हिंदी लिरिक्स है लेकिन थोड़े से गुजराती लिरिक्स भी हैं, तो उन दोनों का मिश्रण जो है वो बहुत ही स्पाइसी लग रहा है, और उसे बापीदा ने खुद ने एक रोमांटिक आइटम नंबर का नाम दिया है, तो ये बहुत कम्प्लीटली अलग जॉनर है, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ओके भूमि, आप राम जी के बाद आप थोड़ी थिंक कि आप बैंड का आइटम नंबर मिर्ची मसाले में नंबर आई थिंक राम चाहे लीला इट वॉज जैसे आइटम नंबर भी कहा जाता है, इसे मॉडर्न मुजरा भी कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा ने खुद ने कहा कि आई वुड यू नो दैट शी वुड कोट दैट सॉन्ग एज मॉडर्न मुजरा, और तो ये जॉनर मुझे काफ़ी पसंद आया, इस नाम को मैंने काफ़ी पसंद किया और बाकी सब लोगों ने भी पसंद किया। उसके बाद हीरो फिल्म जो आई थी जिसमें मीट ब्रदर्स के साथ मैंने मुंडे क्या नाचेंगे रे डांसिंग फ्लोर के लेजेंड हम, सो डांस के लेजेंड जो गाना था वो भी मैंने गाया, एंड दैट इज़ नॉट एन आइटम नंबर बट दैट इज़ अ डांस नंबर, वो कंपटीशन वाला नंबर था जिसमें लड़के और लड़की आमने सामने गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं डांस कंपटीशन के अंदर। सो आई थिंक मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, सो आई एम रियली ग्लैड ऑन दैट। आई थिंक ये काफ़ी कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं और आप ट्राई करते हैं अपने रेंज को बढ़ाना या अपने जो आपका एक कॉम्पैक्ट एरिया है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन जो गॉड गिफ्ट है उसको आप अपना 100% किस तरह से बनाते हैं, और जो गॉड गिफ्ट है शायद लोग बोलते हैं कि अरे ये इनका जो कॉम्पैक्ट रेंज है उसको मैं किस तरह से अपना बेस्ट बना के दे सकती हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, उस दिन मेरी तबीयत जो आपने इंडियन आइडल की बात की है, आई एम रियली ग्लैड कि आपको याद है 5 साल पहले की बात, तो मुझे शेयर करने में बड़ा मज़ा आएगा कि मुझे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुए थे, और उस दिन मुझे
मेरा गला बिल्कुल ख़राब था. तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, अपने आप से फाइट करते हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत मैं गा पाई, थोड़ा बहुत नहीं गा पाई ठीक से. सो मुझे बैड कमेंट्स नहीं मिले थे, मुझे एनकरेजमेंट मिली थी, मुझे हिम्मत दी गई थी और जो मैंने एफर्ट्स लगाए उसकी दाद दी गई थी मुझे. सो इस चीज़ को मैंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया. और उसके दूसरे एपिसोड में आमिर खान जी और शर्मन जोशी जी और राजू रानी सर सभी लोग आए और कैसी पहेली जिंदगानी मैंने गाया और उसमें मुझे बाइक मिला एज एन परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का खिताब मिला, परफॉर्मर ऑफ़ द वीक का खिताब मिला. सो आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली बात है जहाँ पर आपको अगर आप थोड़ा भी विश्वास आपका क्या कहते हैं आत्मविश्वास थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, तो आपके आसपास वाले लोग होते हैं जो आपको बहुत हिम्मत देते हैं, एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे आपको आज नहीं तो कल परफॉर्म अच्छा करने की हिम्मत मिलती है. उम्मीद जाते जाते दो लाइनें हो जाए आज का जो आपने गाना गाया आज का या जी जी एब्सोल्युटली मुझे लिरिक्स चाहिए. तो एक काम कर देना आप लिरिक्स लेके आओ. बजा रे राजा ढोली ढोल बजा, बजा रे राजा के मन का मयूरा नाचे तेरे इश्क में, के मन का मयूरा नाचे तेरे इश्क में. ढोल जो बजा आया रे मजा, ढोल जो बजा आया रे मजा के दिल का नगाड़ा बजे तेरे इश्क में, के दिल का मयूरा नाचे तेरे इश्क में. थैंक यू. रिकॉर्डिंग किया गया है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना ये गाना एक टोटल गरबा स्टाइल में रोमांटिक सॉन्ग है जी. हीरो हीरोइन का आप तो देखे होंगे, हीरो शर्मन जोशी है, राम भाई सब्जेक्ट इज आउटस्टैंडिंग, गोविंद जी डायरेक्टर, बहुत सुंदर मैंने स्टोरी है और मेरे हिसाब से ये पिक्चर बहुत बड़ा हिट होगा. 2016 में ही आएगा, एंड ऑफ द 2016. और मेरा भी गाना, ये भी गाना छोड़ के भी और भी 3-4 गाना है. पलक में गाना गाएंगे नंदलाला, सुपर हिट गाना है तो मैं भी गाया साथ में. एक गाना मैं गाया, डिस्को सॉन्ग है, एक नई पॉप सिंगर कलकत्ता का मधुमिता शेयर सैंग एंड अदर सॉन्ग साधना सरगम एंड मोहम्मद इरफान, बहुत अच्छे रोमांटिक गाना है. आज जो रिकॉर्डिंग हुआ मेरे हिसाब से बाउंड टू बी सुपर हिट एंड इट विल बी द क्रेज हो जाएगा. गुजरात में क्यों, ऑल इंडिया में क्रेज हो जाएगा. ये गाना जो है राजा हुसैन, राजा हुसैन का तो आपने सुनेंगे, जो मेरा
मैं जब सरेगामा पा में जज थी तब सर राजा हुसैन को मैंने सिलेक्ट किया था, प्लस मेरा बेटा बापा ने भी गाना गाया था, टेरिफिक सिंगर है, प्लस भूमि भूमि त्रिवेदी एक्सीलेंट सिंगर, शी हैज सैंग रामलीला एंड शी सैंग विथ मी साउथ अफ्रीका एंड बड़ोदरा, बहुत अच्छे सिंगर है दोनों, और दोनों बहुत अच्छा गाया, गाना लिखा है दीपक ने ही, उनका पूरा पिक्चर ही लिखा है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पिक्चर तो मैं आपको मालूम ही है 645 फिल्म गंगा जल मेरा 646 है, जय गंगा जल जो रिलीज हुआ अभी, तो मैं तो बस काम करता रहा, क्योंकि सब्जेक्ट हमको बहुत पसंद है, राम भाई जो सब्जेक्ट है ये मेरे हिसाब से जो सब स्टार मूवी का सुपर हिट मूवी आ रहा है, पूरा म्यूजिक स्टोरी लाइन गोविंद जी जो गोविंद भाई जो डायरेक्शन दे रहे हैं सब मिलके हमको लगता है ये पिक्चर बहुत बड़ा है। कौन से सिचुएशन में आएगा ये गाना, गाने की सिचुएशन क्या होगी? ये रोमांटिक गाना मैंने बोला ना, ये आज जो रिकॉर्डिंग हुआ ना गरबा गरबा में गरबा स्टाइल में रोमांटिक है जी, मतलब आपको जो गरबा स्टाइल में रोमांटिक सर हमेशा से एक लाइन है, मैं अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, एक हुक लाइन है टेलीफिक है, मैं अभी नहीं, अभी बहुत पिक्चर का शूटिंग शुरुआत नहीं हुआ, आई डोंट नॉट एक्सपोज क्या लाइन है, लेकिन गाना सुन के लग रहे बस सर। इसके अलावा जो है आपको आइटम नंबर्स के लिए जाना जाता है, तो इस गाने में आइटम नहीं है इसमें, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और एक गाना बाकी है राम भाई टाइटल सॉन्ग बस, और मैं जो गाना किया आपको मैं बताया एक रोमांटिक सॉन्ग है साधना सरगम और मोहम्मद इरफान ने गाया, बहुत सुंदर गाना है, वेरी आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं भी आजकल बहुत कम पिक्चर करता हूँ, सिलेक्टेड पिक्चर करता हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद, सब स्टार मूवी है रामपा बालकिशन जी का साथ जितना भी प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, और गोविंद सकारिया जी थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू ऑल प्रोड्यूसर फ्रॉम सब स्टार मूवी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर दो लाइनें अगर आपकी आवाज़ में हो जाए। गाना नहीं गा सकता मैं एकदम, बाप रे बाप, थैंक यू, ये गाना आप लोग को पसंद आएगा, थोड़ा वेट कीजिए, चार पाँच महीना बस आप लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे सब जगह। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।